हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीपीओ 2019 में पूछे गए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स के टोटल 41 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था ये 9 दिसंबर से 13 दिसंबर 2019 तक के बीच का हुआ था। तो टोटल इकोनॉमिक्स जो था हमारा 41 था, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में जो करेंट अफेयर्स आया था उस करेंट अफेयर्स को भी यहीं पर इंक्लूड किया है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो उन सबको भी देखेंगे आज, और ये भी देखेंगे कि क्या पूछा, क्या इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आता है करेंट अफेयर्स से रिलेटेड इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एज ऑफ अक्टूबर 2019, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड बाय अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक दैट इज कवर्ड अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जो CGTMSME है उसके तहत जो अक्टूबर 2019 तक जो लोन दिया जाएगा उसका जो अधिकतम राशि होगा, अधिकतम राशि कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो अधिकतम राशि जो लोन दिया जाएगा वो है 200 लाख। 200 लाख जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जा सकता है अंडर द CGTMSME स्कीम के तहत। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। What kind of relationship exists between income and demand in case of normal goods? सामान्य वस्तु के मामले में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉर्मल गुड्स। अगर यहाँ पे इन्फेरियर गुड्स होता तो यहाँ पे मामला कुछ और होता, इसीलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉर्मल गुड्स। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, इनकम और डिमांड का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। यानी कि अगर इनकम आपका बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ेगा फॉर नॉर्मल गुड्स। तो इनकम एंड डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो इन चार में हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर ये इन्फेरियर गुड्स होगा तो हमारा आंसर कुछ और हो जाएगा। और इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन्फेरियर गुड्स से रिलेटेड SSC में। तो अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा, पुराने इकोनॉमिक्स के वीडियो को, तो आप देख के आप समझ सकते हैं कि इन्फेरियर गुड्स क्या है या फिर इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, SSC में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्फेरियर गुड्स हुआ, नॉर्मल गुड्स हुआ, इन सब के टर्मिनोलॉजी पे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2019? वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो जो भारत की रैंकिंग है वो रैंकिंग थी 79, जो रैंकिंग थी अकॉर्डिंग टू 2019 के अनुसार। और ये जो इंडेक्स है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये कौन जारी करता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जारी करता है CCS ये इंडेक्स जारी करता है, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। ये इंडेक्स जारी करता है और इसके अकॉर्डिंग 2019 तक में भारत का जो रैंक था वो था 79। तो ये भी याद रखना है कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो होता है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये कौन जारी करता है, ये जारी करता है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी, CCS। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच इकोनॉमिस्ट डेवलप्ड इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी इन 1817 बेस्ड ऑन कंपेरेटिव एडवांटेज एंड स्पेशलाइजेशन? तो किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया? तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो बनाया था, जिसने डेवलप किया था, वो था डेविड रिकार्डो ने इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी 1817 को डेवलप किया था। और इनके अकॉर्डिंग इनका ये कहना था कि कोई एक कंट्री है जो ऑलरेडी वहाँ के जो वर्कर्स हैं बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, वहाँ के जो लोग हैं ऑलरेडी इतने एफिशिएंट होने के बावजूद भी वो सारा प्रोडक्ट है, यानी कि जितने भी सामान है उस कंट्री में नहीं बना सकता है, वहाँ पे उत्पादन नहीं कर सकता है, उसको दूसरे कंट्री का जो है हेल्प लेना ही पड़ेगा। एक कंट्री है, यहाँ पे सारा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, चाहे वो कंट्री कितना भी एफिशिएंट क्यों ना हो, चाहे वहाँ के वर्कर कितने भी एफिशिएंट क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी डेवलप्ड कंट्री क्यों ना हो, उसको दूसरे कंट्री का हेल्प लेना ही पड़ेगा, ये कहना था डेविड रिकार्डो का। जैसा कि एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि चाइना में ऑलरेडी वहाँ पर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, लोग वहाँ पे सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं, जितने भी प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन वहाँ पे चाइना में हो सकता है। इसके बावजूद इंडिया में जो है Xiaomi मोबाइल, जैसा कि आपको पता होगा, उसका प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, हैदराबाद में इसका एक इंडस्ट्री भी है जहाँ पे यहाँ पे मोबाइल का प्रोडक्शन होता है। तो ये चाइना में भी हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी इसे इंडिया में ये प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो यही एक बेस है
जिसके थ्रू जो डेविड रिकार्डो है इन्होंने एक डेवलप किया था थ्योरी, तो दैट थ्योरी इज कॉल्ड कंपेरेटिव एडवांटेज इन 1817। तो किसने किया था? डेविड रिकार्डो ने किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स 100% FDI इन इक्विटी इन इंडिया इज नॉट परमिटेड एज पर इंडियाज FDI पॉलिसी। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें FDI के अनुसार 100% जो है FDI नहीं किया जा सकता है, वो कौन सा सेक्टर है? तो इस चार सेक्टर में जो एक सेक्टर है हमारा सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग, इसमें 100% होता है, लेकिन मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग में जो है जो ये होता है ट्रेडिंग, ये 51% का होता है, जबकि होलसेल ट्रेडिंग जो होता है थोक व्यापार वहाँ पे 100% है। ई कॉमर्स एक्टिविटी हाल फिलहाल में उसे भी 100% किया गया है, लेकिन जो मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग होगा, खुदरा व्यापार जो होगा, वो 51% ही उसमें FDI आ सकता है। तो यही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग जो है वहाँ पे 100% FDI नहीं दिया गया है, यहाँ पे जो FDI है वो कितना है, वो है 51%, जबकि सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 100% FDI है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवर अवेलेबल फॉर एक्सीडेंटल डेथ अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? तो PMSBY जिसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके तहत जो बीमा कवर दिया गया है आकस्मिक मृत्यु पे, तो वो कितना दिया गया है? तो वो दिया गया है 2 लाख रुपया, अगर मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपया, अगर वो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होता है, परमानेंट डिसेबल हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसे कितना मिलेगा? उसे मिलेगा 1 लाख रुपया। तो खैर यहाँ पूछा जा रहा है आकस्मिक मृत्यु एक्सीडेंटल डेथ पे कितना मिलेगा, वो मिलेगा 2 लाख, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर द ईयर 2016, व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया? तो IMR जो होता है, IMR कितना है 2016 के अनुसार, तो 2015 में जो था 37% था, 2015 में 37% था, बाद में ये घट के 2016 में कितना आ गया, घट के 34 आ गया, यानी कि 1000 लोग में 1000 जो जन्म होगा उसमें 34 लोगों का मृत्यु होगा, 34 बच्चे के मृत्यु होगा। पहले कितना था, 37 था 2015 में, और ये घट के 34 हो गया 2016 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 34 पर 1000 लाइव बर्थ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग डिस इन्फ्लेशन? तो अवस्फीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 3 तरह का होता है, एक डिस इन्फ्लेशन, एक डिफ्लेशन और एक इन्फ्लेशन। तो डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन में क्या होता है, प्राइस जो होता है हमारे गुड्स और सर्विस का वो नीचे जाता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, जो भी हमारा सामान है उसका कीमत जो है घटने लगता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन, ये घट रहा है। और इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में ये बढ़ने लगता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, ये इन्फ्लेशन में ये बढ़ने लगता है। और डिस इन्फ्लेशन क्या होता है, जो इन्फ्लेशन होता है उस इन्फ्लेशन में जो थोड़ा कमी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन और डिस इन्फ्लेशन लगभग लगभग एक ही चीज़ है, बस अंतर इतना है कि इन्फ्लेशन में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है इन्फ्लेशन में, लेकिन डिस इन्फ्लेशन में क्या होता है, थोड़ा सा उसमें कमी हो जाता है, ग्रेजुअल डिक्रीज हो जाता है, जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसमें थोड़ा सा कमी हो जाता है इन्फ्लेशन में, दैट इज कॉल्ड डिस इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन क्या होता है, वो कंटिन्यूसली घटने लगता है। तो यही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो हमारा कथन क्या सही है, ये सही है, अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड। तो ये जो रेट है इन्फ्लेशन का, जो रेट इधर जाना चाहिए था, वो इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा सा कम हो गया, तो थोड़ा सा कम हो गया, कम होते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस इन्फ्लेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन ए स्पेसिफिक पीरियड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? तो WTO जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट्स एग्रीमेंट, इसके तहत ये जो है 1 जनवरी 1995 को एस्टेब्लिश किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और इसको जो साइन किया था 123 लोगों ने साइन किया था, तब जाके ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और WTO से पहले जो वर्क करता था वो था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT, जिसे इसे हटा के WTO कर दिया गया। और GATT जो कब हुआ था, ये 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये भी एग्जाम में आ सकता था कि WTO से पहले उसे कौन संचालित करता था, तो वो था WTO से पहले GATT था, जो बाद में हट के WTO में आ गया, WTO बन गया।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटल मार्केट्स डब्ल्यूएसएन एफपीओ स्टैंड्स फॉर, तो पूंजी बाजार के संदर्भ में जो एफपीओ है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। इसका फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि कोई कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टेड है, तो वो कंपनी जब दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार या पांचवी बार जो शेयर इशू करता है, दैट इज कॉल्ड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि मान के चले कि कोई बीएससी सेंसेक्स में एक कंपनी है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका ऑलरेडी बीएससी में क्या है, ये लिस्टेड है, तो इसका शेयर ऑलरेडी मार्केट में है। इसके बाद ये करता है, ये क्या करता है, एसबीआई दूसरी बार फिर से शेयर जारी करता है, फिर तीसरी बार शेयर जारी करता है, चौथी बार करता है, तो ये जो होता है दूसरी तीसरी चौथी बार, दैट इज कॉल्ड एफपीओ। और जो फर्स्ट टाइम जो शेयर जारी होता है तो उसे बोलते हैं आईपीओ। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन आईपीओ एंड एफपीओ। आईपीओ क्या है, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जो फर्स्ट टाइम जो शेयर इशू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और उसके बाद जो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम जो शेयर इशू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एफपीओ। तो एफपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, ये है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द 10% रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी इज अवेलेबल टू द पर्सन हुज फैमिली इनकम इज बिलो, यानी कि EWS के अंतर्गत जो 10% आरक्षण दिया जाएगा उसमें जो पारिवारिक आय है वो कम से कम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए। तो जिनकी पारिवारिक आय 800,000 से कम है उसी को EWS दिया जाएगा, उसका EWS के अंतर्गत उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये कितना है, ये 8,00,000 है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो अटल पेंशन योजना जो है उसके तहत 18 साल से 40 साल के व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं अटल पेंशन योजना का। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मैक्सिमम एज, तो मैक्सिमम एज है 40 साल और मिनिमम एज कितना है, वो है 18 साल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एज पर द 2011 सेंसस हिंदी हैज रिटेन्ड इट्स पोजिशन एज ए प्री डोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन बाय अबाउट डैश ऑफ द पॉपुलेशन। तो हिंदी जो है वो हमारे कितना बोला जाता है, कितना परसेंट लोग जो है इंडिया के लोग बोलते हैं, तो कितने परसेंट लोग बोलते हैं, वो है 43.63% जो लोग हैं इंडिया के वो हिंदी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया, कन्वर्ट करके 0.4363 आया है आउट ऑफ 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग GST इज करेक्ट, GST के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है GST है क्या, तो यहाँ पे GST नेटवर्क क्या है, एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हमेशा आपको ध्यान देना है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क जो है वो एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये सेक्शन 8 के अंतर्गत, न्यू कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। तो इसका मतलब है कि GST नेटवर्क वॉज फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट, तो ये हमारा सही आंसर है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पूछा जा रहा है 100th अमेंडमेंट, तो ये गलत है। GST जो है ये हमारा 101वां अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 101वां है, तो ये भी गलत है। सेंटर होल्ड्स 100% स्टेक इन GST नेटवर्क, तो ये भी गलत है। GST नेटवर्क है जो एक प्राइवेट संस्था टाइप का है, जिसमें 51% शेयर जो है GSTN का, 51% शेयर जो है प्राइवेट लोगों के पास है। इसके अलावा 49% जो शेयर है जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स का इक्वली उसमें शेयर है। तो जो सेंटर होल्ड्स नहीं करता है 100%, सेंटर कितना करता है, 49/2 जो होता है वही सेंटर करता है, और स्टेट भी 49/2 करता है, बाकी का 51% जो है प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो लोग करते हैं। इसके अलावा GST काउंसिल जो है एक स्टेचुरी बॉडी नहीं है, ये एक वैधानिक निकाय नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। GST काउंसिल क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा, GST नेटवर्क जो है कंपनीज एक्ट के थ्रू बना है। इसके अलावा ये तीनों गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPCI व्हिच इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो NPCI क्या है, NPCI एक पेमेंट गेटवे है और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द आइट कोर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो भारत के जो 8 महत्वपूर्ण उद्योग हैं वो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? तो 8 महत्वपूर्ण उद्योग जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। तो इन चारों में जो कॉटन दिख रहा है ये एट कोर इंडस्ट्री नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद द एम ऑफ प्रमोटिंग पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन इंडिया हैज बीन नेम्ड। तो भारत में जो बंदरगाह आधारित विकास जो को बढ़ावा देने के लिए जो परियोजना शुरू किया गया है उस परियोजना का नाम पूछा जा रहा है। तो बंदरगाह आधारित विकास के बढ़ावा देने के लिए जो परियोजना है वो परियोजना है सागरमाला, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सागरमाता, सागरमान, तो कन्फ्यूजन नहीं लेना है, हमारा आंसर हो जाएगा सागरमाला, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग हैज को ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स बेटर आंसर टू आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। तो अभिजीत बनर्जी जो है जिनको हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला है उनके द्वारा ये बुक यहाँ पे लिखा गया, ये बुक लिखा गया है और बुक का नाम है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स बेटर आंसर टू आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो हो सकता है आने वाले सीजीएल 2020 और सीएचएसएल 2020 में ये पूछा जा सकता है कि इस बुक को किसने लिखा है। तो इस बुक किसने लिखा है, अभिजीत बनर्जी ने लिखा है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज प्राइमली कंसर्न्ड विथ मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा निकाय चिंतित है, यानी कि कौन सा निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को बनाए रखता है? तो वो निकाय है FATF जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। FATF जो है ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है उनको देखता है और टेररिस्ट फाइनेंस होता है उसको भी काउंटर करता है, उसको भी देखता है कि कौन सा टेररिस्ट फाइनेंस कहाँ पे हो रहा है। ये सारा काम किसका है, ये सारा काम जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का काम है। और इसे किसने रिकमेंड किया था, ये रिकमेंड किया था IMF ने ये रिकमेंड किया था FATF को, जिसके तहत इनका काम होगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंस जो होता है उसको देखना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है? तो ये चार है, ये चारों को देखना है कि एग्जाम में आ सकता है कोई भी चार। तो सबसे पहले होता है प्राइमरी क्या होता है, ये होता है रेड कॉलर प्रोफेशन। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी होता है ब्लू कॉलर। टर्सियरी क्या होता है, ये होता है व्हाइट कॉलर। और जो लास्ट है हमारा क्वानरी, ये क्या होता है, गोल्ड कॉलर। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है गोल्ड कॉलर, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वानरी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इन चारों को आपको याद रखना है, प्राइमरी रेड कॉलर, सेकेंडरी ब्लू कॉलर, टर्सियरी व्हाइट कॉलर और क्वानरी गोल्ड कॉलर, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन परमिसिबल अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो मैक्सिमम अमाउंट दिया जा सकता है लोन का वो कितना है? तो वो है 10 लाख ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सकता है अंडर मुद्रा योजना, और सबसे कम से कम जो दिया जा सकता है वो है 50,000। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मैक्सिमम, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, एज पर यूनियन बजट 2019-20 इंडियन इकोनॉमी इज ग्लोबली द डैश लार्जेस्ट इन द परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म्स। तो केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी नंबर पे है? तो सबसे पहला जो हमारा जो इंडिया है वो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है PPP टर्म्स। तो ये जो होता है, ये होता है क्रय शक्ति क्षमता, यानी कि मान ले कोई सामान है, उस सामान को एक देश में, एक कंट्री में उसका क्या कीमत है इस सामान का, और दूसरे कंट्री में इसका क्या कीमत है। इस दोनों जो कीमत होता है, इस कीमत को जो कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रय शक्ति क्षमता। उस कंपेयर के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया है वो कितने नंबर पे है, वो है परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में हमारा इंडिया 3rd नंबर पे आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नीति आयोग व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन NITI नीति। तो टी जो इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग, रूपांतरण, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन
विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एज ऑफ सितंबर 2019, यानी कि सितंबर 2019 तक जो है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किस स्टेट का था ये पूछा जा रहा है। तो किस स्टेट का था, तो ये स्टेट था गोवा। गोवा जो था उसका हाईएस्ट था इन इंडिया। और सेकेंड नंबर पे कौन सा है, सेकेंड नंबर पे दिल्ली है, सेकेंड नंबर पे दिल्ली है और थर्ड नंबर पे सिक्किम है, इसके बाद चंडीगढ़ देन हरियाणा। तो फर्स्ट में गोवा, सेकेंड में दिल्ली, थर्ड में सिक्किम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अंडर विच फाइव ईयर प्लान द स्टील प्लांट्स ऑफ राउरकेला, भिलाई एंड दुर्गापुर वेयर एस्टेब्लिश्ड। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था, तो वो पंचवर्षीय योजना था दूसरा। सेकेंड पंचवर्षीय योजना के तहत जो भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली पेंशन परमिसिबल अंडर द अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के तहत अनुमान मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है। तो APY के अंतर्गत जो मिनिमम पेंशन है वो कितना है, वो 1000 और मैक्सिमम कितना है, वो 5000 तक है। तो मिनिमम कितना है, मिनिमम 1000 ये पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। विच इंडियन स्टेट हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन आफ्टर उत्तर प्रदेश एज पर सेंसस 2011। 2011 के अनुसार भारतीय राज्य में राज्य की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी किसकी थी, कौन से स्टेट की थी, कौन से राज्य की थी। तो ये राज्य है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इन विच सिटी इज द हेड ऑफिस ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिचुएटेड। तो जो IRDAI है, IRDAI का जो मुख्यालय था 2001 तक वो कहाँ पे था, वो दिल्ली में था, लेकिन 2001 के बाद वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे, वो शिफ्ट हो गया हैदराबाद में। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट विच कैन बी रिमिटेड थ्रू रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि RTGS के अनुसार जो न्यूनतम राशि है, RTGS के अनुसार जो न्यूनतम राशि है वो कितना है ट्रांजेक्शन का, तो वो है 2,00,000 रुपया न्यूनतम राशि। और मैक्सिमम अमाउंट कितना है, मैक्सिमम लिमिट वो है 10,00,000 रुपया पर डे, मतलब 10,00,000 रुपया तक ट्रांजेक्शन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू RTGS। और मिनिमम कितना है, मिनिमम 2,00,000 रुपया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो, दैट इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1,000 मेल्स। तो सबसे लोएस्ट जो फीमेल रेशियो है पर 1,000 मेल्स यह है हरियाणा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन 2019 डैश इज टेकन एज द बेस ईयर। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, दो इंडेक्स है हमारे पास, एक WPI दैट इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट इज कॉल्ड CPI। और इसी यही दोनों यूज करके हम लोग जो है किसी भी कंट्री का जनरली क्या होता है, इन्फ्लेशन जो होता है वो मेजर करते हैं। ठीक है, ये मेजर करते हैं इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू WPI और CPI को देखते हुए। इसके अलावा जो WPI है, उस WPI को कौन पब्लिश करता है, उस WPI को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो पब्लिश करता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो WPI है उसे कौन जारी करता है, WPI कौन जारी करता है, ये करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये जारी करता है। तो जो बेस ईयर है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, वो जो लिया गया है, वो लिया गया है 2011-12, इसके तहत, इस ईयर के तहत जो है WPI कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी द थर्ड स्टेज इन अ डेमोग्राफिक साइकिल इज मार्क्ड बाय। तो अकॉर्डिंग टू DTT डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसमें क्या होता है, थर्ड स्टेज में फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों कम हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लो फर्टिलिटी और लो मोर्टेलिटी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी क्लासिफाइड एज ए पिगोवियन टैक्स, निम्नलिखित में से किसे पिगोवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो पिगोवियन टैक्स है जनरली किस पे इम्पोज किया जाता है, किस पे लगाया जाता है, तो जो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है उस पे, या जो टोबैको या फिर अल्कोहल का जो कंजप्शन होता है उस पे जो टैक्स लगता है, अल्कोहल पे, उस पे या कंजेशन पे, ये सब पे जो टैक्स लगता है, दैट इज ये सब पिगोवियन टैक्स लगता है। तो ये जो पूछा जा रहा है कि इसको किस में क्लासिफाइड किया जाता है, तो इसे कार्बन टैक्स में किया जाता है क्लासिफाइड।
जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि कोई एरोप्लेन है, एरोप्लेन जो एयर में जो फ्लाई करती है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा CO2 जो है वो जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करती है, तो जितना पॉल्यूशन करती है वो पॉल्यूशन को अकॉर्डिंग उनको टैक्स देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन टैक्स। तो यही हो गया, पिगमेंट टैक्स के अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्बन टैक्स को क्लासिफाइड किया जा सकता है पिगमेंट टैक्स के रूप में। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेस्ड ऑन द मिक्सड इकोनॉमी प्रिंसिपल अनाउंस्ड इन इंडिया। द पॉलिसी क्लियरली डिमार्केटेड द एरियाज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो सबसे पहली बार जो पॉलिसी बनाया गया, जो घोषित किया गया था भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत पर, तो वो कब था, वो था 1948 में, 1948 में पहली बार भारत में घोषित किया गया मिक्स्ड इकोनॉमी प्रिंसिपल। और अकॉर्डिंग टू मिक्स्ड इकोनॉमी प्रिंसिपल क्या होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट का भी उसमें पार्टिसिपेशन होता है और प्राइवेट सेक्टर का भी होता है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। और ये कब हुआ था, ये कब आया था, पहली बार 1948 में घोषित किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2018-19, द नेशनल टोटल फर्टिलिटी रेट TFR इज एक्सपेक्टेड टू बी बिलो रिप्लेसमेंट रेट बाय द ईयर। तो किस साल को वो जो TFR जो है वो बिलो होगा रिप्लेसमेंट ईयर से, तो जो हमारा कुल प्रजनन दर होगा वो 2021 से प्रतिस्थापन जो दर होगा वो नीचे रहने का उम्मीद है, और ये जो दर है वो है 1.8, और किस वर्ष से होगा, ये 2021 से होगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो BSE में जो सबसे जो फर्स्ट एक्सचेंज हुआ था ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, तो किस साल हुआ था, जो पहला विनिमय व्यापारिक सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध जो हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था BSE में पहली बार, तो वो हुआ था 2000, 2000 में पहली बार एक्सचेंज रेट इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज अ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो मानव विकास रिपोर्ट है वो कौन संगठन प्रकाशित करती है, तो HDR जो है वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है UNDP वो प्रकाशित करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है HDR प्रकाशित करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन अल्फ्रेड नोबेल 2019 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में सेवेरियस रिसर्वंक पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक नहीं है, यानी कि इन चारों में से तीन है जिन्हें ये पुरस्कार मिला, लेकिन वो एक चौथा है जिन्हें इकोनॉमिक साइंसेज में ये पुरस्कार नहीं मिला, तो वो चौथा कौन है, वो है M. Stanley Whitgum। ये जो है इनको केमिस्ट्री में मिला था नोबेल प्राइज 2019 में, इसलिए ये नहीं है, जबकि ये तीनों है। तो वहाँ पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग द प्रधानमंत्री वे वंदना योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भारत सरकार की जो योजना है उसका नाम है प्रधानमंत्री वे वंदना योजना, उसका संचालन कौन सी संस्थान कर रही है, इस योजना का संचालन LIC कर रही है, जो सिर्फ और सिर्फ LIC है जो ये योजना को संचालन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग कैपिटल इन द फार्मिंग सेक्टर। निम्नलिखित में से कौन कृषि क्षेत्र में कार्यशील पूंजी है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल ये होता है जो डेली बेसिस पे खर्च जो होता है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, जो डेली ऑपरेशन होता है। तो इन चार में जो थ्रेसिंग मशीन होता है इसका डेली ऑपरेशन ही होता है, इसका समय आने पे यानी कि जब फसल पक जाती है तब होता है, ट्रैक्टर का भी डेली नहीं होता है, लैंड एक एसेट्स हो गया, तो जो मनी होता है वो डेली बेसिस पे खर्च किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, वो है मनी फार्मिंग सेक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। जो SEBI है जिसे हम लोग भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बोलते हैं, वो कहाँ पे स्थित है, तो SEBI जो है वो मुंबई में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुंबई। तो ये था हमारा टोटल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, और इस इकोनॉमिक्स में जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने जो 41 क्वेश्चंस किए हैं आउट ऑफ 41, 10 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो करेंट अफेयर्स से रिलेटेड थे, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो करेंट अफेयर्स से रिलेटेड थे, और इन 10 में से भी ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे यो योजना जो होता है उस योजना से पूछा गया था। तो आने वाले एग्जाम के लिए जो योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस है, योजना आयोग का अध्यक्ष हुआ या फिर इस योजना में कितना खर्च हो रहा है या योजना में क्या काम है, ये सब पूछा जाता है, तो ये सब आप याद कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा होगा पॉलिटी का।